इसराइल पर दोबारा हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? दुनिया की सबसे बड़ी खबर इसराइल और ईरान के बीच सीधे महायुद्ध को लेकर है। ईरान के हमले के बाद दुनिया इसराइल के पलटवार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने आकर जो कहा वो आग में घी डालने जैसा है। इसराइल और ईरान पर इस वक्त सारी दुनिया की नजरें लगी हैं। आगे क्या होगा सब यही जानना चाहते हैं। आज तक के तीन संवाददाता इस समय तीन अलग अलग देशों में इस वॉर को रिपोर्ट कर रहे हैं। गौरव सावंत इसराइल के टेलवीव में है, लेबनन के बेरूत में अशरफ वानी और ईरान के तेहरान में राजेश पवार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात ईरान के सुप्रीम लीडर की एक तस्वीर की जिसमें वो राइफल पकड़कर इसराइल को धमका रहे हैं। आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? तस्वीर की सारी दुनिया में चर्चा है और जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। ईरान की राजधानी तेहरान, जहां हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की इस तस्वीर में क्या खास बात है? क्यों खामेनेई की इस तस्वीर की सारी दुनिया में चर्चा हो रही है? इस तस्वीर की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले आयतुल्ला खामेनेई के संबोधन की बड़ी बात के बारे में आपको बताते हैं, जिन्हें मुसल्ला मस्जिद में सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटी, जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने पिछले चार साल में पहली बार जुमे की नमाज के दिन दिए अपने संबोधन में इस्लामी देशों से एकजुट होने की अपील की। جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند كما كان للمناضلين على طريق الحق بر همه دشمنان پیروز می‌شوید حکمت الهی پشتیبان شماست। लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए जिसकी हर तरफ चर्चा है, क्योंकि आयतुल्ला खामेनेई ने राइफल हाथ में पकड़कर भाषण दिया। ये देखिए, खामेनेई जब भी तकरीर करते हैं तो वो राइफल पकड़कर ही भाषण देते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपने भाषण में इसराइल पर हमले को पूरी तरह जायज बताया, ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो दोबारा इसराइल पर हमला करेंगे। खामेनेई ने कहा कि उनकी सेना ने जो इसराइल पर हमला किया वो उसके अपराधों की कम से कम सजा थी। नसरल्ला को भाई बताते हुए उन्हें लेबनान का चमकता हीरा भी बताया। محمد ابن علی باقر علم الاولین و الاخرین انجام میگیرد کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت دیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است। इससे पहले खामेनेई की इन तस्वीरों के जरिए कई मायने निकाले गए। माना गया कि नसरल्ला की मौत से ईरान को झटका लगा है, गमो गुस्सा है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से खामेनेई ने राइफल हाथ में लेकर अपनी बात कही उसे लेकर एक साथ कई संदेश देने की कोशिश बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि खामेनेई ने अपने इस भाषण से अपनी ताकत दिखाने के साथ ही अपने देश की जनता को भी शांत करने का प्रयास किया है। खामेनेई ने सार्वजनिक मंच पर आकर उन खबरों को खारिज करने की कोशिश की है जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमास नेता इस्माइल हानिया और फिर हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने से उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। ये कार्यक्रम एकजुटता दिखाने की भी कोशिश कहा जा सकता है। इस दौरान ईरान के नए राष्ट्रपति और सरकार के सभी बड़े चेहरे भी शामिल थे। खामेनेई ने उन आशंकाओं को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि इसराइल की हालिया कार्रवाई की वजह से क्षेत्र में ईरान का अपने प्रॉक्सीज को समर्थन प्रभावित होगा। बड़ी बात यह है कि खामेनेई ने चार साल पहले भी इसी तरह का भाषण दिया था। तब अमेरिका ने उनके सबसे बड़े कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। तब भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दरअसल युद्ध के समय किसी भी चीज को बेवजह नहीं किया जाता और इसीलिए इसकी वजह समझने के लिए हम सीधा आपको तेहरान लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ राजेश पवार जुड़ रहे हैं। राजेश, क्यों, क्या मैसेजिंग है, क्यों ये राइफल थामकर भाषण दिया है खामेनेई ने?
मैं इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हूं। आज यहां एक बहुत बड़ी रैली हुई है। कई साल के बाद आयतुल्लाह खमेनी, जो यहां के धार्मिक गुरु हैं और यहां के कर्ता धर्ता हैं, वो कई साल के बाद, लगभग 5 से 6 साल के बाद पब्लिक में आए हैं, और पब्लिक में आकर उन्होंने जनता को एड्रेस किया है। और जो भीड़ थी वहां पर, वो देखने से बनता था, वो हजारों में नहीं थी, लाखों में तादाद में लोग आए थे। बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग बदले की बातें कर रहे थे। तो लगातार जो माहौल यहाँ बनता जा रहा है, उससे लगता है कि हालात आने वाले दिनों में बिगड़ने वाले हैं। और जिस तरह से ईरान ने पिछले दिनों में हमला किया है इसराइल के ऊपर, उससे ये लगता है कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई, जिसमें शायद अमेरिका भी शामिल हो सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ जो माहौल है वो बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है, और कुछ इस तरह का माहौल है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बहुत ही असमंजस का माहौल है और बहुत ही तनावपूर्ण माहौल इस वक्त तेहरान में है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम एक बड़ी खबर दे देते हैं। आईडीएफ ने इसराइल की तरफ से जो हिजबुल्ला पर एक्शन हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स जारी किए हैं। पिछले 4 दिन की जो लड़ाई चली है, उसमें क्या क्या हुआ है। तो 250 हिजबुल्ला के आतंकियों को मार गिराया गया है। 2000 मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण किया गया है। 5 बटालियन कमांडर्स को खत्म किया गया है और 10 कंपनी कमांडर्स, साथ में 6 डिपार्टमेंट कमांडर्स। यानी कि इसराइल की तरफ से जो जमीनी कार्रवाई है, उसका भी ये ब्यौरा है, यानी जब से ग्राउंड इन्वेजन किया गया है। हमारे साथ इस समय टेलीविव से गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। गौरव, सारे लोग सोच रहे हैं कि इसराइल पलटवार तो करेगा, पर वो पलटवार कर क्यों नहीं रहा है, नंबर वन। दूसरी चीज, क्या हम ये समझें, क्योंकि ये आंकड़े जो जारी किए, कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ एक निर्णायक जंग अपनी समाप्त करने के बाद अगला मोर्चा अपना ईरान के साथ खुलेगा। श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे पहले जो कोशिश है इसराइल की, वो बगल में जो सांप है उसको ध्वस्त करना है, उसको नष्ट करना है, यानी हिजबुल्ला। हमास के खिलाफ पिछले 1 साल से ऑपरेशन चल रहा है, और 1 साल के ऑपरेशंस में एक तरह से उसने यहया सिनवार को छोड़कर सभी हमास के बड़े लीडर्स को, चाहे वो आप मोहम्मद दैफ की बात करें या इस्माइल हानिये की, उनको नष्ट कर दिया है एज अ टेररिस्ट एंटिटी। जो रॉकेट और मिसाइल दाग सकते थे गाजा पट्टी से, अब उतनी शक्ति और क्षमता हमास की नहीं रही। अब ये लक्ष्य, जैसा आपने बताया, पिछले 4 दिनों से हिजबुल्ला को नष्ट करने का है, क्योंकि एक बार इस ईरान के दोनों हाथ कट गए, यानी हिजबुल्ला और हमास, तब ईरान को टारगेट करना और टैकल करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बहुत ही सुनियोजित, सोची समझी रणनीति के तहत इसराइल आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से ईरान ने वार किया था इसराइल पर, उससे ईरान की बौखलाहट दिखी। ईरान सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होना नहीं इसलिए चाहता था, क्योंकि वो इसराइल को काउंटर करने के लिए अपने हूथी, हमास और हिजबुल्ला के आतंकवादियों का ही इस्तेमाल करना चाहता था, अपने प्रॉक्सीज का। अब जब उसने डायरेक्टली इतनी ज्यादा, लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया, अब वो जानता है उसके ईंधन के, चाहे वो डिपो हो या फिर उसके परमाणु जो रिएक्टर्स हो, या फिर जो मतलब उसकी रिसर्च सेंटर्स और टेक्नोलॉजी के केंद्र हो, या उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सेंटर हो, या उसकी इकोनॉमी के सेंटर्स हो, न केवल इसराइल बल्कि अमेरिका और इसराइल मिलकर अब उसे धीरे धीरे ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे, और वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत। 40 सालों से सैंक्शंस का सामना कर रहा है ईरान, तो ये जो गीदड़ भक्ति देना है, अपने हाथ में राइफल लेके घूमना, ये तो आयतुल्लाह अली खमेनी के लिए ठीक है, लेकिन क्या वो छिपे नहीं बैठे थे लगातार? क्या यही बात इसराइल आज पूछ रहा है? उनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि एक सुनियोजित तरीके से इस खतरे को एक लंबे समय के लिए ध्वस्त कर दिया जाए। पहली रणनीति, श्वेता, अगर 30 सेकंड में मैं आपको बताऊं, तो जहां पर मैं इस समय हूं, हाइफा में, हाइफा के पास जो लेबनान और इसराइल का बॉर्डर है, वहां से लेकर लिटनी नदी तक, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए हिजबुल्ला, ताकि इसके 70,000 लोग जो इसराइल के यहां से पिछले 1 साल से विस्थापित है, उनको वापस लाया जा सके, और उसके बाद एक बड़ी लड़ाई ईरान के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से शुरू की जाएगी। श्वेता, तो गौरव, ये जो बात बता रहे हैं वो हम आपको नक्शे के जरिए भी समझा देते हैं कि इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला लेबनान बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे चला जाए। ये मैप बड़ा होते ही मैं आपको वो बात दिखाती हूँ कि जो गौरव बात बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर पीछे चला जाए, यानी इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला लेबनान की जो लिटनी नदी है उसके पीछे चला जाए। इसराइल ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए या तो प्राकृतिक जो सरहद है उसका सहारा लिया है, या फिर बफर जोन का। जॉर्डन नदी उसे जॉर्डन से अलग करती है, सिनाई रेगिस्तान मिस्र से अलग करता है, और गोलन हाइट से सटा जो बफर जोन है
उसे और सीरिया को बांटता है। इन सभी क्षेत्रों का आप नाम सुनते होंगे, लेकिन जब ये आप पूरा इलाका देखेंगे तो आप इससे वो समझ जाएंगे कि उसका मकसद क्या हो सकता है। पर लेबनन के बॉर्डर के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए साल 2006 में यूएन ने एक प्रस्ताव दिया था कि लिटनी नदी के दक्षिण में 850 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए, जिसकी पेट्रोलिंग यूएन पीस कीपिंग मिशन और लेबनन की सेना करेगी। बॉर्डर से इसराइल और हिजबुल्ला के आतंकी पीछे हट जाएंगे। पिछले साल जिस तरह हमास ने हमला किया, उसके बाद अब इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला उसके बॉर्डर से पीछे चला जाए। इसके लिए वो बफर जोन बनाने की दलील देकर लेबनन में घुस गया है।